जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं मई 2020 का राशिफल। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है पूरे देश में, संभव नहीं है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जा सके। लेकिन रीजन है कि आप सबने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर किसी प्रकार से हमें हमारा राशिफल मई का मिले, तो मैंने प्रयास किया कि हाँ नहीं वीडियो तो ऑडियो के माध्यम से तो एटलीस्ट हम अपना कार्य जो है वो कर सकते हैं, हम अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभा सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और लोगों तक भी इसको पहुँचाएं, अपने अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, लोगों को भेजें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। इस बार बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो राशिफल डाल सकें हों, तो हमने प्रयास किया कि हमने जो डाला है आप लोगों तक उसका जो लाभ है वो पहुँच सके। तो आज मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि मई के लिए किस प्रकार रहने वाला है, मई महीना किस प्रकार रहने वाला है राशि कन्या के लिए। ध्यान रखिए, मास के आरंभ में बुध के अष्टम भाव में होने से आपके राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव जीवन में आने वाली अचानक समस्याओं का भाव है और अष्टम भाव एक खराब भाव माना जाता है। अष्टम भाव तंत्र क्रिया इत्यादि का भाव है, अष्टम भाव खराब स्वास्थ्य का भाव, अष्टम भाव को एक प्रकार से मृत्यु भाव के नाम से सूचित किया गया है। अष्टम भाव में बुध के गोचर करने से आपके स्वास्थ्य में अचानक समस्या उत्पन्न हो सकती है, अचानक समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। मांसाहार इत्यादि के सेवन से बचें, नशीली पदार्थों के सेवन से बचें, समय पर भोजन लें, समय पर नींद इत्यादि लें, प्रॉपर चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आने का पूरा योग इस माह में दिख रहा है। अब क्या है कि बनते हुए कार्यों में विघ्न भी उत्पन्न होने का योग है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी, अष्टम भाव मैंने कहा ना कि खराब चीजों का भाव है, तो जो कार्य दशम भाव के भी स्वामी हैं बुध, तो जो कार्य बन रहे थे, जो कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे, उस कार्य में अचानक विघ्न उत्पन्न होंगे, अचानक दिक्कतें उत्पन्न होगी, तो बनते हुए कार्यों में अड़चन का जो पूरा योग है वो आपकी राशि में इस माह दिख रहा है। तो कार्य को भी सोच समझ करके करें, और कोई भी कार्य करना है तो भगवान गणेश जी की आराधना करके, भगवान गणेश जी का ध्यान करके फिर कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो ऐसी परिस्थिति में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि सूर्य राजा कहा जाता है और उसके साथ राशि स्वामी का योग होने से और दशम भाव के स्वामी बुध का संयोग होने से योजनाएं आप बहुत सारी बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेगी, बड़े लोगों से आपके संबंध बहुत ज्यादा स्थापित होंगे, लेकिन जो उनका लाभ प्राप्त करना है वो लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस माह बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आएंगी, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन उस मौके का जो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए वो मौके का लाभ आपसे नहीं उठाया जा पाएगा। ये एक विशेष दिक्कतें देने वाला होगा, अचानक लास्ट लेवल पर जाकर के कार्य बिगड़ जाएगा। तो हम साधारण शब्दों में कहें तो बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा और धन हानि भी होगी। इस माह अत्यधिक कठिनाई से बड़ी मुश्किल से, कार्य बहुत अच्छा चलेगा नहीं, तो बड़ी मुश्किल से निर्वाह योग आय के साधन बनेंगे, धन प्राप्त होगा। मुश्किल से जो कार्य है उसके जो बेहतरी है वो होंगे, लेकिन जब 9 तारीख को बुध का परिवर्तन भाग्य स्थान में, यानी बुध 9 तारीख को जब पहुंच जाएंगे वृष राशि के अंतर्गत, तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएगी। और 14 तारीख के बाद सूर्य भी जाकर के पहुंच जाएंगे वृष राशि में, तो ये जो समावेश होगा वो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो 9 तारीख तक सब चीज़ों पर आपको सावधानी रखनी है, कोई भी कार्य नहीं करना है। ध्यान रखें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही कार्य के लिए आगे जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन 9 तारीख को जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, 14 को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, आपके लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हो जाएगी, कार्यों में अच्छे रिजल्ट आएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन प्रसन्न होगा, भाग्य साथ देगा, मन में धार्मिकता उत्पन्न होगी, धार्मिक चीजों के साथ कार्य करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी।
प्रेम संबंध का भी सुंदर योग है, किसी से प्रेम का इजहार मिलेगा और उस पर आगे बढ़िए। इस समय जो प्रेम संबंध आपका बनेगा वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं, शादी के लिए बात करना चाहते हैं लेकिन इच्छा नहीं हो पा रही है या दम नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम जा करके उनको प्रेम का इजहार करें, तो आपको बता दूँ इस माह कीजिए, आपके लिए फायदेमंद है, दिक्कत नहीं होने वाली है। तारीख 9 से पहले आपकी जॉब जा सकती है, ध्यान रखिएगा भैया, तो जॉब को लेकर के भी ध्यान दीजिए। 9 तारीख के बाद अगर जॉब को दोबारा से पाने का प्रयास करेंगे या नई जॉब तलाश कर रहे हैं तो तारीख 9 के बाद प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रहेंगे। खैर, बहुत सारा बोलना इस वीडियो इसमें बहुत मुश्किल है। आपसे कहना चाहूँगा, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पर्सनल जानकारी आपको चाहिए तो संस्था का नंबर दिख रहा है, आप प्लीज़ कॉल करें, अपने विषय में जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बता दूं, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या संस्था में यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि चल रहा है, क्या रत्न रुद्राक्ष का सिद्धिकरण हो रहा है, तो आपको बता दूं बिल्कुल हो रहा है। जिनको भी रत्न प्राप्त करना है, रुद्राक्ष प्राप्त करना है, अपने लिए पूजा पाठ इत्यादि कराना है, संस्था में फ़ोन करें, अपने विषय में जानकारी भी प्राप्त कर लें और जो चीज़ें प्राप्त करनी है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरी कामना है। लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने वीडियो बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है ताकि लोग भी इसका लाभ पा सकें। जय श्री राम।